हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन इंडियन गर्ल. दिस इज़ दीक्षा. एंड अगर आप हमारी फैमिली का पहले से पार्ट हैं तो वेरी वार्म वेलकम. और अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया लिंक्स बिलो. और ये सीरीज़ है कंटिन्यूस सीरीज़ की ऑफ आजियो हॉल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीन्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम आजियो. तो बिना देर किए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर इज अ ब्लैक जीन्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम द ब्रांड मिस चेज. दिस आई गॉट फॉर 574 रुपीज, साइज मीडियम. इट इज रिटन इज इट्स अ क्रेप्ड स्किनी जीन्स विद फेयर्ड हेम्स. और इसकी MRP है, जो कि टैग में दी गई है, वो है 2299. ये बटन पैटर्न दिया गया है उसमें. इसमें कोई भी जिप नहीं है. नीचे इसके फ्लेयर्ड हेम्स हैं, एंड बाकी पूरी प्लेन है. ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है इसका और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है. 78% कॉटन, 21% पॉलिस्टर एंड 1% इलास्टिकेट. बटन वाला पैटर्न है, काफ़ी इन फैशन है. और आप इसको क्रॉप टॉप के साथ, टैंक टॉप्स के साथ कैसे भी कैरी कर सकते हो. इट विल लुक रियली ऑसम. और ये एंकल लेंथ है और आपको इसको कटवाने की भी ज़रूरत नहीं है. इवन आई एम 5'2", फिर भी ये मुझे काफ़ी अच्छे से हो जाती है. मुझे भी कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, लंबी बिल्कुल भी नहीं है. जैसे फ्लेयर्ड हेम्स वाली जीन्स होती है ना, वो आप नीचे से कट भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका जो फ्लेयर्ड हेम वाला फैशन है वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा. इससे अच्छा हम सादी ले लें. सो या Talking about another brand, it's from Outrit and it's also skinny fit jeans with flared hems. And iski detailings are so pretty, so pretty. Yellow lining all over. और ये हल्का हल्का सा pattern है यहाँ पे, plus थोड़ा थोड़ा सा damage pattern भी दिया हुआ है इसमें. And side में, see side में, it's a chain given. A chain given with flared hems. Very very beautiful color. And जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें, look at the labeling guys. मतलब it's so pretty. वो जो थोड़ा सा चमकने वाला कपड़ा नहीं होता है उस पर इसकी labeling की गई है. And it's so beautiful. But only thing is that कि शायद ये इसमें हल्का सा स्ट्रेचबिलिटी कम है, तो इसी वजह से ये मेरे लोअर नी एरिया में बहुत ज़्यादा फिट आ रही है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पहनने में. और मैंने बहुत ज़्यादा इसको पहना तो ये साइड से फट भी सकती है. सो या इसीलिए मुझे इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा. बट बीइंग ऑनेस्ट, द डिटेलिंग्स आर सो ब्यूटिफुल. इसका कलर इतना अच्छा है, बट अगर मैं एक साइज़ छोटे में जाती हूँ, सॉरी एक साइज़ बड़े में जाती हूँ, तो वो मुझे लूज़ होगी. एंड या मतलब किस्मत ही ख़राब है हमारी. प्लस ये मुझे थोड़ी सी लंबी है, लेकिन सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑफ DNX. और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई भी है. ये साथ ही साथ वन बटन की है, अप वेस्ट है, एंड थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा बूट कट टाइप की है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है. हाई राइज है, 98% कॉटन है, 2% इलास्टिकेटेड है, एंड मशीन वॉश भी है. दिस इज़ लाइक दिस, वेरी ब्यूटिफुल. जिप है, पॉकेट्स हैं, यहाँ पे भी पॉकेट है छोटा सा. और नीचे जाते जाते नीज में दोनों साइड पे डैमेज है, एंड फिर एकदम नीचे ये ऐसी डैमेज है, विच लुक्स वेरी प्रिटी. मैंने इसी को देख के इसको ख़रीदा था. ये पहनने पे बहुत ही प्रिटी लगती है मुझे. इस सारी जीन्स में मुझे ये वाली जीन्स सबसे अच्छी लगती है पहनने में. आई डोंट नो, आई लाइक
एक्चुअली द बूट कट लुक ऑन मी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इसका बूट कट। और पीछे भी डिस्ट्रेस दिया हुआ है छोटा सा, थोड़ा सा पॉकेट। इट कॉस्टेड मी 519 रुपीज़ और अभी ये 974 की मिल रही है राइट नाउ। जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूँगी मे बी कम हो जाए प्राइस या बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, कांट से। एंड लेबलिंग में इसकी प्राइस दी हुई है 1299 रुपीज़। Talking about the next product, it's from Dolce Crudo. It's a skinny jeans with ribbed hem. It looks somewhat like this. It's the color. And it's a high-rise jeans with ribbed hems. And what's the bad part of it is like, see this. See this. It is so weird to see that. ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई सेकेंड हैंड जीन्स खरीदी है एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आजियो एट लीस्ट। एंड ठीक है, अभी एक्सचेंज एंड रिटर्न होना है इस प्रोडक्ट का और 30 डेज तक एक्सचेंज एंड रिटर्न हो सकता है आजियो में, तो आई एम डेफिनेटली गोना रिटर्न दिस वन। प्लस माई हाइट इज़ 5.2 और ये मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। आई ऑर्डर्ड इट इन साइज़ 30, जबकि मुझे साइज़ 30 ओके होता है, सही होता है, बट इट इज़ लूज, सम वॉट अ लिटिल लूज। प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम आउटरेट। मैंने जो आपको पहले जीन्स दिखाई है आउटरेट की, वो भी वो मतलब बहुत अच्छी थी, वो भी उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे टाइट हो रही थी नी एरिया में। प्लस वो मुझे लंबी भी थी, एज्ड उसमें जिप वाला पैटर्न दिया हुआ था साइड्स में, वो भी कट नहीं करा सकते क्योंकि वही उसका यू नो लुक था एंड वी कांट डैमेज इट। उसमें भी फ्लेयर्ड हेम्स थे एंड मैंने उसको रिटर्न करके, अब तक वो रिटर्न हो चुकी है, उसको रिटर्न करके आई ऑर्डर्ड अनदर जीन्स फ्रॉम आउटरेट विच आई गॉट फॉर 690 रुपीज़ इन द साइज 30 ओनली। दिस इज़ वुमेन लाइटली वॉश्ड हाई राइज स्किनी फिट ब्लू जीन्स विद फ्लेयर्ड हेम्स। इट इज़ कॉटन स्ट्रेच मटीरियल, मशीन वॉश एंड इट्स एन हाई राइज जीन्स। सो ये कुछ ऐसी हैं, छोटा सा इसमें डायमंड दिया हुआ है बटन में ये, एंड साइड में भी थोड़े से छोटे छोटे से डायमंड दिए हुए हैं विच लुक्स रियली नाइस। पॉकेट है, जिप है, छोटा पॉकेट है, जो नॉर्मली हर जीन्स में होता ही होता है। एंड पूरी सिंपल है, बस इसके हेम्स में ये ऐसा है डैमेज टाइप का थोड़ा सा, बैक पे भी एंड आगे भी, बोथ द लेग्स, विच लुक्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसको भी कटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से मुझे बिल्कुल फिट है ये और एकदम परफेक्ट साइज़ है ये मेरे लिए। आई लाइक द जीन्स। इसका कलर भी बहुत ही प्रिटी है, बहुत डिसेंट सा, बहुत सूदिंग सा कलर है इसका। एंड द मटीरियल, मतलब यू नो आउटरेट इज़ अ न्यू ब्रांड फॉर मी और इसकी क्वालिटी देखने में समथिंग वॉट लिवाइज एंड एस जैसी लग रही है। इन हैंड फील भी इसका बहुत अच्छा है, यू नो आप पहले देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये लिवाइज एंड ऑल की जीन्स होती हैं वैसा ही लुक है। ऐसा कि उस वाले आउटरेट में थोड़ा सा शाइनी सा मटीरियल दिया था लेबलिंग के लिए, इसमें तो लेदर है लेकिन गोल्डन लेदर है, बट उस वाली जीन्स का वो जो लेबलिंग था दैट वाज वेरी नाइस, वेरी प्रिटी लुकिंग, मतलब आई कैचिंग होता है
ऐसे मुझे लेबलिंग्स यू नो जो जीन्स में दी रहती हैं नॉर्मल सी, मुझे बहुत अजीब सी लगती हैं। आप यू नो कोई ऐसी जीन्स ले लो विदाउट ब्रांड तो उसकी लेबलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एंड दीज जीन्स जितनी भी अभी मेरे लेबलिंग इसमें लगी हुई है पीछे, लेकिन दैट डजेंट लुक्स वियर्ड और बहुत अजीब सा, बहुत ही जबकि प्यारा लगता है, आई कैचिंग लगता है इनफैक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नाउ दिस इज़ नॉट अ जीन्स, इट्स अ शॉर्ट। और इस वाले शॉर्ट्स के दो वेरियंट्स प्रेजेंट थे, दो कलर पसंद प्रेजेंट थे, और मैंने दोनों के दोनों कलर मंगाए हैं। इट्स फ्रॉम ब्रांड डी एन एक्स, इट्स अ वॉश किंटेड शॉर्ट्स विथ टर्न अप हेम्स बाय डी एन एक्स, एंड दिस आई गॉट फॉर 359 रुपीज़ बोथ ऑफ देम, मीन्स Each of them costed 359 rupees, and this is also in the size 30, and it's an 80% cotton, 18% polyester, and 2% elasticated one machine wash. So yes, I am. हल्का सा texture दिया हुआ है इसमें, if you can see, and दो shade में हैं, और इस के जो हेम्स हैं वो टर्नड अप हैं। एंड इसका भी मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्रिटी लगा मुझे, प्रिटी है। आपकी ये मैंने इसलिए मंगाए थे, चाहे आप इसको घर में पहनो, चाहे आप बाहर जाओ तो पहन सकते हो, कहीं भी थोड़ा बहुत जाना है तो बहुत अच्छे रहते हैं। घर में भी बहुत कंफर्टेबल हैं ये, लिटरली दे आर वेरी कंफर्टेबल। आप डेली वेयर में भी वेयर कर सकते हो इन्हें, और मैंने इसीलिए इन्हें मंगाया है। फॉर इसका सेकेंड कलर ये है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्लू एंड दिस इज़ इन डार्क ब्लू। इसमें भी टेक्सचर है क्योंकि ये सेम ही प्रोडक्ट है, इट्स जस्ट दैट इसमें दो कलर्स थे और मैंने दोनों कलर ऑर्डर किए हैं। बस एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, एक जो है मुझे बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, एक थोड़ा सा लूज़ है, एंड डजेंट मैटर्स। वैसे ये मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क है। बट जब ब्रांड एक है, साइज़ एक है, तो थोड़ा बहुत भी फ़र्क क्यों है वो मुझे समझ नहीं आया। बट दे आर रियली कम्फर्टेबल, दे आर वेरी यू नो लाइट वेटेड एंड मक्खन जैसे हैं एकदम, दोनों के दोनों एंड स्ट्रेचेबल हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। मैं बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे ब्रांड्स लगे मैंने जितने भी ब्रांड मंगाए हैं, मिस चेज़ हो गए, डी एन एक्स हो गया, आउटरेट हो गया। बस एक मुझे यू नो डॉल्सी क्रूडो वाला जो ब्रांड था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट उसका मटेरियल वॉज वेरी लाइट वेट, एंड उसकी जो पॉकेट्स थी उसमें यू नो गंदे गंदे से रोएं निकल रहे थे, एंड सेकेंड हैंड लग रही थी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, अगर आपने वीडियो को इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट एंड आपको थोड़ा बहुत उसमें दिखता रहेगा, थोड़ी बहुत मैं एक्टिव होती रहूँगी धीरे धीरे, न्यू पोस्ट एंड ऑल आपको सब वहीं पर मिलेगा। मेरे लिए रील्स एंड ऑल बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ मैं, तो आपको वहीं मिलेगा। डू फॉलो, डू सपोर्ट एंड कीप लाइकिंग। इन में से कुछ भी आपको पसंद है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लस डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द अदर वन वीडियोज ऑफ आजियो हॉल, वो मत भूलिएगा देखने के लिए, ज़रूर देखिए। बाकी सारे लिंक्स मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप इन्जॉइंग, कीप लविंग एंड ज्वाइन द फैमिली, दिस हैशटैग बिग फैमिली, ब्राउन इंडियन गर्ल फैमिली, ज्वाइन करें, प्यार दें, अपनापन दें, सपोर्ट दें, एंड थैंक यू, बाय बाय।